हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथर्स मामा। अथर्स मामा में प्रेगनेंसी की मंथ बाय मंथ जो हमारी जो सीरीज़ है उसे हम स्टार्ट करेंगे। मैंने फोर्थ तक सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और ये हमारा जो आज का डिस्कशन है वो फिफ्थ मंथ के सीरीज के ऊपर है। इसमें हम बेबी की एंड मदर में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं एंड बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितनी होती है, क्या क्या होती हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमने जाना मदर में क्या क्या चेंजेसेस आएंगी और बेबी में क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। उसके साथ ही फिफ्थ मंथ का पीरियड जितना हैप्पीनेस का होता है उसके साथ ही थोड़ा उसमें कंसर्न की भी बात हो जाती है। तब हो जाती है जब किसी मदर में थोड़ी किसी प्रॉब्लम की वजह से थोड़े वार्निंग साइन दिखाई देते हैं। सो हम आज उन वार्निंग साइन को मैं आपको थोड़ा नोटेड आउट कराऊंगी, जिससे आप थोड़े से कंसर्न रहो कि कौन कौन से साइन अगर ऐसे हैं तो हम थोड़ी अपनी गायनेको से एक बार डिस्कस कर लें। तो इसमें फर्स्ट साइन होगा आपकी जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, उसके साथ अगर फॉल डिस्चार्ज, कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज, फॉल स्मेलिंग, अगर वेजाइनल से जो डिस्चार्जेस हो रहे हैं उनकी स्मेल फॉल है, अच्छी नहीं लग रही है, अनप्लीजेंट लग रहा है। एंड उसके साथ ही आपकी अगर सीवियर, आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं एब्डोमेन में और लोअर एब्डोमेन या पेल्विक एरिया पे, देन उसके साथ अगर आपकी वोमिटिंग हो रही है वो कंटिन्यूस मोर देन 24 आवर्स, एंड उसके साथ पेनफुल यूरिनेशन, डार्क कलर्ड यूरिन, एंड आपकी जो टेम्परेचर है, आपका बॉडी टेम्परेचर मोर देन 100.4 डिग्री इन फ़ारेनहाइट, अगर ये सारी कंडीशंस आप इसमें से कोई भी एक सिम्टम्स अगर आप फाइंड आउट करती हैं तो आप अपने गायनेको से एक बार डिस्कस कर लेना, कंसल्ट कर लेना बेटर होगा। क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा कंसर्न लेना पड़ता है। एक एक बार तो प्रेगनेंसी बहुत ही नॉर्मल चलती है, बट किसी किसी प्रेगनेंसी में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो आप ये सारी वार्निंग साइन थोड़ी सी अपने माइंड में रखिए। अगर ऐसा, आई होप ऐसा कुछ ना हो, बट ऐसी बात है तो आप एक बार अपने गायनेको से कंसल्ट कीजिए। तो अब बात करेंगे हम जो कुछ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट रहते हैं फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। तो मोस्टली तो हमने सारे टेस्ट प्रोसीजर्स थर्ड मंथ में कंप्लीट कर लिए रहते हैं, बट जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है हमारा एनोमली स्कैन रहता है, जिससे हम बेबी की कुछ ऑर्गन में या बेबी की लिम्स में या अदर किसी पार्ट्स में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी फेस हो रही है तो हमें फाइंड आउट करके हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। इसमें हम बेबी की फेस, लिम्स एंड बेबी का जो मेजर ऑर्गन होता है, हार्ट होता है, उसे हम शो कर सकते हैं इसमें। और अगर इसके अलावा अगर आपको जैसे कि फीटस में कुछ एबनॉर्मलिटी शो हो रही है तो इसमें आपका स्कैन आपका परफॉर्मिंग करके वो भी रिवील्स आउट हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है बेबी के किसी ऑर्गन्स में लेके लिम्स में या अदर पार्ट्स में तो वो भी फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फाइंड आउट हो जाते हैं। एंड तो अगर इसमें फाइंड आउट होती है कुछ एबनॉर्मलिटी फीटस की या कुछ एनोमली स्कैन में कुछ डिटेक्ट होता है तो आपको पॉसिबली आपको आपकी गायनेको आपको इजीली आपको इसके बारे में बताती हैं और इससे रिलेटेड जो भी आपकी ट्रीटमेंट है वो भी उसके साथ ही स्टार्ट हो जाती है। ऐसे सारे कंडीशंस में नहीं देखे जाते, बट कुछ मदर में ऐसी थोड़ी फीटस से प्रॉब्लम आती हैं उनसे रिलेटेड, और ये बहुत ही नॉर्मल है और ये बहुत ही बिग इशू नहीं है। ये थोड़ा एक माइनर इशू ही होता है, किसी किसी केस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बट सारे केस में ऐसे नहीं होते। तो ये आपका जो मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट USG होता है वो होता है एनोमली स्कैन का होता है, वो आपको कराना चाहिए। और ये आपकी गायनेको आपको खुद ही सजेस्ट करती है। एंड इसके साथ ही आपकी यूरिन एंड ब्लड की जो परफॉर्मिंग रहती है वो भी आपकी कंप्लीट होती है। ब्लड टेस्ट में मदर में फिफ्थ मंथ तक भी एनीमिया की कंडीशन देखी जाती हैं, तो इसमें एनीमिया आपके ब्लड में ब्लड का रिडक्शन कितना कम हो रहा है उसके लिए आपकी ब्लड परफॉर्मिंग की जाएगी। उसके साथ ही यूरिन टेस्टिंग की जाती है
एंड उसके साथ ही आपकी जो वेट एंड हाइट की मेजरिंग, आपका वेट कितना गेन कर रहा है, आपका बॉडी वेट अभी कितना है पहले से, ऐसी सारी प्रोसीजर्स इसमें करते हैं। इसके साथ ही आपकी जो ब्लड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आती है, आपकी हेडनेस की प्रॉब्लम होती है, बीपी ड्रॉप होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हमने बताया था जैसे पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम आती है, एक सिम्टम्स दिखाई देता है। पाल्पिटेशन मीन्स जो रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट और पल्स रेट होता है, उसके वजह से आपकी बीपी थोड़ी हाई बीपी होने के भी चांसेस रहते हैं किसी। सो इसके लिए मदर को इंक्रीज करना पड़ेगा विटामिन सी के सप्लीमेंट्स। विटामिन सी के नेचुरल प्रोडक्ट्स में आप ले सकती हैं ब्रोकोली ले सकती हैं, ऑरेंज ले सकती हैं, लेमन ले सकती हैं, एंड उसके साथ आप टमाटो भी ऐड कर सकती हैं। इनसे लेने से आपको प्रॉपर विटामिन सी मिलेंगे जो आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी। एंड उसके साथ हम बात करेंगे नेचुरल, आप जैसे कि सप्लीमेंट्स लो, जैसे कि पिस्ताचियो ले सकते हैं आप, उसके साथ आलमंड डेट ले सकते हैं, जो आपको बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपकी बेबी की हेल्प करेगा। और इसके साथ ही मदर अपना जो स्लीपिंग का पैटर्न है वो एडिक्वेट रखें, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ जूसेस लें, हाई रिच फाइबर फूड लें जिससे कॉन्स्टिपेशन हेमोरेड्स की प्रॉब्लम में थोड़ी रिलीफ आए। पीरियड तक आपको सिटिंग और स्टैंडिंग पोजिशन में नहीं रहना है, आपको थोड़ा मूव करना है, आपको थोड़े लाइट एक्सरसाइजेस या आप थोड़े से ऐसे ही मॉर्निंग और इवनिंग वॉक भी ईजिली कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा वॉक में मूवमेंट में हेल्प हो, आपकी एक्सट्रीमिटीज़ थोड़ी मूवेबल हो। और अगर आप इजीली अगर बैठ जाएंगी करेंगी तो आपके जो खा रहे हैं आप वो भी इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको भी थोड़ा फैटिक और लो एनर्जेटिक फील होगा। अगर आप खाने के बाद थोड़ा इधर से उधर थोड़ा मूव भी करेंगे तो बॉडी में मूवमेंट भी बनी रहती है। इसके साथ जो बेबी का जो पेल्विक पे बहुत प्रेशर पड़ता है उसके साथ आपकी बैक पेन और पेल्विक की जो पेन एराइजेस होती हैं, तो आपकी मूवमेंट लाइट मूवमेंट रहेगी तो उससे भी थोड़ा सा पेल्विक पेन भी और थोड़ा भी कम रहता है। आप सोने टाइम अपना गुड पोस्चर एक लीजिए और उसके साथ ही आप अपने बैठने की और स्टैंडिंग के एक जो पोस्चर है वो भी कम्प्लीटली कीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ी जैसे कि झुक के बैठेंगे या थोड़ा सा बेंड डाउन होगा ऐसा करके बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी और पेल्विक पे भी प्रेशर पड़ता है। तो इसके लिए आप एक गुड पोस्चर हमेशा मेंटेन कीजिए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड कौन कौन सी बातें भी ऐसी होती हैं जो 5th मंथ में आप अवॉइड करना चाहेंगे, जैसे कि आपको बहुत ही लाइट एक्सरसाइज के थोड़े वर्क करने होंगे, ये नहीं कि स्ट्रेनजिस एक्टिविटी कर रहे हैं, थोड़े हाई वर्क लोड का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको जंक फूड्स को अवॉइड करना है और अवॉइड करना है जैसे जर्किंग और क्विक मूवमेंट ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सारे अवॉइडेंस आपको करने हैं, क्योंकि बाथरूम अगर स्लिपरी है तो आप उससे भी स्लिप हो सकती हैं, तो आपको एंटी स्लिपरी वाली बाथरूम स्लीपर यूज़ करनी है। उसके साथ ही आपको टाइट शूज़ या टाइट फुटवेयर या टाइट क्लॉथ्स ऐसे नहीं पहनने हैं, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन और ईजिली जो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी मदर को आती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो इसलिए आप थोड़ी लूज ही थोड़ी सी अपनी ड्रेस पैटर्न थोड़ी लूज ही लीजिए। एंड उसके साथ जो आपकी फुटवेयर है वो भी थोड़ी लाइट एंड वो भी थोड़ी लूज ही होनी चाहिए जिससे आपको थोड़ा चलने में कंफर्टेबल फील हो एंड ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत इजीली हो, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि ये जो हमारा ब्लड होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को ही जाता है। सो इसलिए आप सारी मेरी थोड़ी टिप्स थोड़ी फॉलो कीजिए जिससे आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी स्मूथ एंड हेल्दी एंड हैप्पीनेस हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिए। ओके सो थैंक यू, बाय बाय।